Assalamualaikum Pakistan. Assalamualaikum Pakistan. This is RJ Mahnoor and welcome you all in another exciting episode of Together for Peace, which is sponsored by Shaur Foundation for Education and Awareness. और आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑफ पीस इनटू आवर डेली लाइफ्स के हवाले से कि किस तरह जो है हम पीस को अपनी डेली लाइफ में प्रिवेल कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि कोई बाहर से आए और जो है ये तमाम फसाद, ये तमाम झगड़े ख़त्म करे, तमाम वो बातें ख़त्म करे जो हमें डेली लाइफ में डिस्टर्ब कर रही होती हैं, लेकिन हम खुद क्या कर सकते हैं, इस हवाले से हम आज बात करेंगे. क्योंकि आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आयशा, जो कि योगा एंड मेडिटेशन टीचर हैं. इसके अलावा उनका एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी. इसके अलावा प्रोग्राम में मौजूद हैं फीफा जावेद, जो कि शौर फाउंडेशन के साथ काम करी हैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर. सबसे पहले वेलकम टू द प्रोग्राम. हेलो, क्या हाल है जी? ठीक ठाक. लोगों के आप कैसे हैं ये बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक्टिव होंगी, योगा की ट्रेनर हैं आप. नहीं नहीं, हर वक्त नहीं रहते हम एक्टिव, लेकिन ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि रहे एक्टिव. अच्छा, वैसे बेसिकली आयशा डिफाइन करें, व्हाट्स योगा, व्हाट्स मेडिटेशन, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते इसके हवाले से. अच्छा, योगा का जैसे मैं जब लोगों से बात करती हूँ, खासतौर पे पाकिस्तान में, तो लोगों का एक बहुत ही बस उसका एक बड़ा फिजिकल लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे योगा एक एक्सरसाइज है. और अनफॉर्चुनेटली अब even in the western world it's being treated as an exercise for weight loss and getting fit. And yes, yoga does all of that, but it's a very deep science. The bahut purana ek eastern vedic science hai, hamare region se, actually south asia se ya oriental iske origins hain, china far east ki side se. To उससे बहुत आपकी ज़िंदगी पे मुस्बत असर होता है, ना सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस पे, लेकिन बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी की एक वेल बीइंग पे. जैसे आप एक पूरा इंसान हेल्दी होना चाहिए ना, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली. सो योगा हेल्प्स यू टू डू दैट. यू नो, व्हेन वी से योगा, वी से there are different definitions because it has so many dimensions, but basically we say it is a union of the mind, body and soul. So aise define karte hain yoga ko, ki oneness. So basically it's a union of mind, body and soul. कहा जाता है कि जब हमारा अपना आप डिस्टर्ब होता है, हमारा अंदर डिस्टर्ब होता है, तो हम सोसाइटी में जो है ना वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जीज जो है वहाँ पे हम लगा रहे होते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, इज देयर इज अ नीड ऑफ सेल्फ पीस, हमें अपने अंदर पीस की जरूरत है, या जस्ट हम हमारे हालात ही ऐसे हैं कि बाहर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं? नहीं, हम ही लोग हालात बनाते हैं ना, और हम ही लोग सोसाइटी बनाते हैं. तो आप देखें कि ये आपने जिंदगी में ऐसे आपका तजुर्बा रहा होगा कि अगर एक शख्स भी डिस्टर्ब्ड है तो उसकी वजह से पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा है ना? ऐसा होता है. और अगर सारे लोग खुश हैं, एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मिलते हैं, उनमें बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, सबर है, तो ये सारी चीजें एक बेहतर माशरा तश्कील कर पाती हैं. बेशक, ऐसा ही है ना? तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको अपने अंदर पुरसकून होना है, फिर माशरा पुरसकून होगा. बेशक. सो बेसिकली जी जी, और शायद मुझे ये भी लगता है कि अगर आप पीसफुल नहीं हैं और आपको ये है कि अगर आप सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो इसके साथ साथ आप कोई फायदा भी नहीं पहुंचा रहे. एंड आपकी अपनी जो एक इंडिविजुअलिटी है, उससे क्या सोसाइटी को क्या कहते हैं ना कि हाउ यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल, तो वो चीज़ भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे होते वंस यू आर नॉट एट पीस योरसेल्फ. तो वो एक ड्रॉबैक भी है नॉट बीइंग एट पीस. अच्छा, कैसे कहा जा सकता है कि एक इंसान डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में, उसके हालात बुरे, किस तरह जो है वो योगा के थ्रू, किस तरह वो एक्सरसाइज के थ्रू पीसफुल हो सकता है? ऑब्वियसली हम कहते हैं कि योगा से कैसे हो सकते हैं, इतनी बिजली नहीं है, रात से मैं जाग रहा हूँ, इतने इश्यूज हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ये इश्यूज हैं मेरे. तो उसको किस तरह आप कह सकते हैं कि योगा से पीस किस तरह जो है क्रिएट किया जा सकता है इंसान? और शायद आयशा, सॉरी टू कट यू ऑफ, आपको ये भी सुनने को काफी दफा मिलता होगा कि योगा में या मेडिटेशन में क्या रखा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, यही नहीं. पहले तो ये कि नमाज भी एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है.
हम उसको उस तरह करते नहीं है. तो जब जो लोग अगर कहते हैं नमाज पढ़ लें तो वो अगर वाकई नमाज को मेडिटेशन की तरह पढ़ें तो उससे बहुत फायदा होगा. मैं इसको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करती. कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किसी भी रिलीजन की एसेंशियली मेडिटेटिव प्रैक्टिस है. जो उसका इंटेंशन है ना कि आप उसको थोड़ा सा आप दुनिया से अलग होके अपने अंदर जाएं. जो हम नहीं करते लेकिन अगर करें तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा. लेकिन योगा से आपका सवाल ये था कि हम किस तरह से पीस क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर. तो योगा का जो सबसे बेसिक फाउंडेशन है वो है आपकी सांस. मतलब और भी आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, खाना होता है, सोना होता है, आपकी कंपनी होती है. लेकिन आप अपने माइंड आप जो आप सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म देखते हैं या वायलेंस देखते हैं या इम्पेशेंस देखते हैं तो वो एक स्ट्रेस्ड माइंड की वजह से क्रिएट होता है. राइट जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब आपको लगता है कि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप दुनिया से कोप कर सकें या जो भी आपके साथ आपके काम हैं या जिंदगी के कोई चैलेंजेस हैं आप उनको इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकते. तो जैसे जैसे आप अपने अंदर की एनर्जी बढ़ाते हैं, जैसे जो शख्स हेल्दी होगा, फिजिकली हेल्दी होगा, वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है. किसी की नींद पूरी हुई होगी, उसका एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल होगा, वो प्रोडक्टिव चीजों में एंगेज्ड होगा, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर प्रायोरिटाइज करेगा, डिसिप्लिन्ड तरीके से जिंदगी गुजारेगा. सो एक आपकी अगर रेगुलर योगा प्रैक्टिस हो एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल दैट स्पिल्स ओवर इनटू एवरीथिंग एल्स ऑल्सो इन योर लाइफ, तो आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू होती है. आप एक बहुत काम ठहरे हुए पीसफुल इंसान खुद बन जाते हैं. तो आपकी जब वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं तो लोग भी आपके साथ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं. ये इस तरह इंटेलेक्चुअली समझना मेरे ख्याल से ना थोड़ा मुश्किल है. आई ऑलवेज से इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स प्रैक्टिस. जैसे आप सांस लें तो आप सांस लेना इज एन एक्सपीरियंस. यू सी व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. तो इस तरह से है. बट हाँ, साइंस इसके पीछे या जो नॉलेज है वो ये है. ठीक. सो बेसिकली जो है योगा के हवाले से हम बात करें, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं आयशा से या आफीफा जावेद से तो आप डायल कर सकते हैं 051-111-111-100 या आप मैसेज कर सकते हैं 3636 पर. अच्छा आयशा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कल्चर के हवाले से आपने बात की कि कहाँ से स्टार्ट हुआ. पाकिस्तानी कल्चर में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या लोग जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस? पाकिस्तानी कल्चर एक तो यूनिफॉर्म नहीं है. पाकिस्तानी कल्चर भी बहुत डाइवर्स है. तो जो हमारा टैक्सिला है, यू नो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीट्स ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन. तख्त भाई और वो वाली साइट, दिस इज वेयर मेडिटेशन स्टार्टेड फ्रॉम, लाइक इट्स इन आर हेरिटेज अगर हम वो मोनेस्ट्रीज देखें. लेकिन आई फील लाइक अब इस तरह से लोग इसको नहीं समझते. एंड इसके साथ बहुत ज़्यादा आई थिंक नेगेटिव कॉनोटेशंस भी अटैच्ड हैं, जैसे ये कोई हिंदू प्रैक्टिस है या किसी के रिलीजन के खिलाफ है. ठीक. बल्कि ऐसा बिल्कुल भी ठीक है. आपसे इस हवाले से भी बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह का सिखा रहे हैं और क्या उसकी डायमेंशन है. लेकिन वी हैव अ कॉलर. ऑलराइट जी, अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं 051-111-111-100. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अच्छा, हम बात कर रहे थे मेडिटेशन के हवाले से. सो पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें थोड़े थोड़े देर से बाद सोशल मीडिया पे पता चल जाता है ये इंस्टीट्यूशन है योगा सिखा रहे. क्या आपको लगता है जो योगा ट्रेनर्स हैं वो प्रॉपरली सर्टिफाइड होते हैं या जस्ट हम इंटरनेट से देखते हैं, दो चार हमें चीज़ें आ जाती हैं और फिर हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं लोगों? हाँ, बहुत कम एक्चुअली सर्टिफाइड योगा ट्रेनर्स हैं पाकिस्तान में. आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर टिप्स. एंड बाकी लोग आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू देम बट ऑब्वियसली दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट ट्रेन्ड प्रॉपरली एंड आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन देयर प्रैक्टिस ऑल्सो. लेकिन कुछ हैं जो प्रॉपरली ट्रेन्ड हैं. फिर योगा के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कुछ हठ योगा में, फिजिकल योगा में बहुत ट्रेन्ड हैं, कुछ ज़्यादा मेडिटेटिव जेन प्रैक्टिस में ट्रेन्ड हैं. एक वेबसाइट है योगा अलायंस के नाम से, इट्स एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन. सो जो प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं पाकिस्तान के, वो योगा अलायंस पे लिस्टेड हैं. तो आप जाके अपने शहरों में देख सकते हैं कि कौन कौन है योगा अलायंस पे.
पाकिस्तान के अंदर एंड देन यू कैन गो टू दोस बिफोर गोइंग टू जिम या किसी भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से पहले देख लें कि जो आपको ट्रेन कर रहे हैं वो खुद भी ट्रेंड है या नहीं है. और फिजिकली तो मैं बहुत ज्यादा इसके लिए वैसे मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिकॉज आपका बॉडी है ना तो आप प्लीज अनट्रेन लोगों के पास ना जाए बिकॉज दैट कैन कॉज इंजरी एंड दैट कैन रियली हर्ट यू फिजिकली यू नो कि अगर कोई अनट्रेन इंस्ट्रक्टर है तो वो आपके बॉडी को शायद उस तरह सही तरह हैंडल ना करे और समटाइम्स हार्मफुल भी होता है. सो वी हैव अ कॉलर लेट्स सी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. ऑलराइट जी आप भी कॉल कर सकते हैं 051-111-111 पर ड्रॉप अ मैसेज एट 3636. इसके अलावा आपसे बात करूंगी पाकिस्तान के हवाले से. तो हमने बात की इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बात की. व्हाट डू यू थिंक क्योंकि आप ट्रेनर भी हैं जो यूथ है वो ज़्यादा आती है आपके पास पीस के लिए या योगा के लिए मेडिटेशन के लिए या जो बड़ी एज के लोग होते हैं ज़्यादातर हम इन चीज़ों की जानब तब बढ़ते हैं जब हम ज़रा फ्री हो जाते हैं अपनी रिटायर्ड लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि यार अब हमारे पास करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो अब करें. That's why I talked about culture और मेरा ख्याल है कि नहीं यूथ ज़्यादा बिकॉज यूथ ज़्यादा अवेयर है यूथ ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी है. जो देखिए ज़रूरत तो हर एक को होती है. मैं ये नहीं कह रही ज़रूरत किसको ज़्यादा है ज़रूरत तो हर एक को होती है लेकिन आप जब उमूमन ऐसा होता है कि आप जब बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो आप बहुत फिक्स हो जाते हैं अपने व्यूज़ के अंदर. तो आपको उस वक्त चेंज करना ज़्यादा मुश्किल होता है. जब यंग लोग होते हैं वो ज़्यादा ओपन होते हैं ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन ओपन टू एक्सप्लोरेशन एंड ऑल्सो देर इज़ अ कल्चरल शिफ्ट कि अब हमारे यहाँ कम अज़ कम यूथ ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है जो शायद पिछली जनरेशन में इस तरह से नहीं थी. जिम्स भी ज़्यादा हैं फिजिकल फिटनेस का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है. ओवरऑल वेलबींग पे भी बहुत बात होती है सेल्फ केयर पे बात होती है बिहेवियरल थेरेपी पे बात होती है. सो ऑब्वियसली आई फील लाइक द यंगर लॉट और द मिडल एज लॉट they're more open. ठीक बिहेवियर चेंज दैट इज रियली मच इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी. अगर कोई पेशेंट तो नहीं कह सकती अगर कोई यूथ आपके पास आते हैं या ओल्ड एज पीपल आते हैं एंड दे आर सफरिंग विद डिप्रेशन तो वो आप उनको किस तरह जो है उनको डील करती हैं. डिप्रेसिव है एक बंदे की पर्सनैलिटी वो परेशान है सबसे पहले तो वो चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर सकता जो आप उसे बताते हैं करें तो उसमें योगा के थ्रू किस तरह उसको जो है वो ये तो देखें ना जो पहली चीज़ तो है कि आप विलिंगली आए तो दैट्स अ फर्स्ट स्टेप. हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना. जैसे मैं आपके लिए सांस नहीं ले सकती तो सांस आप ही नहीं लेना है. तो पहले तो आप खुद आएंगे तो इसलिए मुझे उसमें कन्विंसिंग की उस तरह से जरूरत नहीं है. बाकी आप कितने रेगुलर हैं उस प्रैक्टिस में आप कितना रिसेप्टिव हैं ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करेंगी कि आप हील करते हैं या नहीं करते. अगर आप बाकी स्टेट में नहीं हैं कि आप एक बेसिक प्रैक्टिस भी ना कर सके तो फिर देन आई गेस नहीं इसका कोई हल ना क्योंकि ये कोई मतलब मैजिक तो है नहीं. It's something that you have to work through. Afifa, आपके जाने बढ़ती हूँ क्योंकि आपका यूथ से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. ट्रेनिंग्स आप कंडक्ट करती हैं फॉर प्रिवेलिंग पीस इन द सोसाइटी. व्हाट डू यू थिंक जब आप उनकी उनको एक्सेस कर रही होती हैं कि इनकी असेसमेंट में आपको क्या लगता है यूथ की कि उनको वाकई इस तरह की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है. व्हाट दे वॉन्ट एक्चुअली क्या उनको हम इस तरह उनकी एनर्जीज अगर इस पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करेंगे तो क्या इससे पीस प्रिवेल हो सकता है या एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी से ख़त्म हो सकता है या नहीं. बिल्कुल जिस तरह आयशा ने बात की थी अभी कि सबसे पहले तो इट्स अ मैटर ऑफ विलिंगनेस. विल पार है आपकी टू लर्न न्यू थिंग्स टू लर्न समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ तो आप ज़रूर इस तरफ आओगे. और जहाँ तक हमारी यूथ की बात है और सोसाइटी की बात है तो सोसाइटी की बात मेरे ख्याल से एक सेकेंड प्रायोरिटी हम लोग कंसिडर करते हैं या नहीं लेकिन करनी चाहिए. प्राइमरी और फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आवर ओन सेल्फ. और इस मतलब जब हम जाते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं हम बच्चों के साथ यूथ के साथ काम डायरेक्टली कर रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि दे आर विलिंग टू डू दिस. आयशा ने भी यही बात की थी कि हमारी जो यूथ है हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो है विलिंग दे वॉन्ट के वो बल्कि इस चीज़ को समझते भी हैं कि जब तक वो खुद दे आर नॉट एट पीस देम सेल्फ तो वो कुछ रिप्लिकेट नहीं कर सकते कुछ सोसाइटी को फ़ायदा नहीं दे सकते. तो इसी में मतलब इसी ही चीज़ को सिंस वी आर वर्किंग ऑन पीस एज वेल तो हम लोगों ने भी एक ऑनलाइन कोर्स डेवलप किया है सेल्फ पीस डेवलपमेंट पे. मतलब उसमें आप अपने आप को रोज़ अगर 10 से 15 मिनट देते हैं सिर्फ असेस करने के लिए कि आपने आज का दिन किस तरह से गुजारा है अपने मतलब अपने लिए तो वो आपको हेल्प करेगा बाई द एंड
एंड ऑफ द डे ये बताने में कि आप अगले दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं. तो इट्स एन ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट जो कि है www.peacewithoutborders.com peacewithoutborders.pk सॉरी. तो उसको आप लोग प्लीज जाके देखें. इट्स अबाउट अ सेल्फ पीस डेवलपमेंट. 40 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कोर्स है जिसमें कि आप कंटिन्यूस मेंटोरिंग भी हासिल कर रहे होंगे फ्रॉम एक्सपर्ट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान. तो वो एक चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रही होगी डायरेक्टली. ठीक. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल यूथ को बहुत ज़्यादा जो है पिंच कर रहा होता है, व्हाट इफ़ यू आर हैविंग अ पीसफुल बॉडी बट नॉट हैविंग अ पीसफुल माइंड. मतलब आप सोसाइटी में कुछ एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जा रहे, आप कुछ बुराई नहीं फैला रहे, लेकिन आप फिर भी बेचैन हैं, आप फिर भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि आजकल हमारी यूथ बहुत ज़्यादा है. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? आई थिंक मैं अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से तो यही कहूँगी कि वी हैव अ टेरेबल लाइफ स्टाइल. जो मैंने पहले भी कहा कि जो योगा का फर्स्ट चेंज है वो आपका इंटरनल चेंज है कि हम खाना सही नहीं खाते, सोते सही नहीं हैं, बहुत अनहेल्दी हमारी प्रैक्टिसेस हैं जिंदगी की. जो एक नेचुरल लाइफ स्टाइल है ना उससे बहुत दूर हो गए कि एक्सरसाइज नहीं है, अच्छी कंपनी नहीं है, पढ़ते नहीं, नेचर में टाइम नहीं स्पेंड करते, टीवी के सामने 4 घंटे बहुत बुरी खबरें सुनते रहते हैं. तो आप खुद सोचें अगर आप यू आर एक्सपोज टू सो मच नेगेटिविटी एंड देयर इज नो आउटलेट, तो वो तो आपके सेंसेस के अंदर स्टोर हो रही है ना. फिर आपका तो पीसफुल बॉडी भी नहीं रह सकता. सही बात. बिकॉज आपके तो सेंस मेमोरी होती है, आपके बॉडी के अंदर याद रहती है आपको स्ट्रेस. बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस यूथ, मैं खुद भी मतलब ये अपने आप को इस तरह से करती हूँ कि हम मी टाइम पे या पर्सनल टाइम पे बिलीव ज़रूर करते हैं, पर हम उसको कैसे स्पेंड करना चाहते हैं, या तो हम सीजन्स देख लेंगे या हम मूवीज़ देख लेंगे. मेरे ख्याल से बुक पढ़ लेना भी एक मेडिटेशन है. हाँ, कि किस तरह की अच्छी बुक अच्छी, अच्छी किताब. यू नो आई जस्ट फील लाइक जस्ट रिफ्लेक्टिंग एंड हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, समथिंग प्रोडक्टिव, गिविंग योरसेल्फ समथिंग प्रोडक्टिव, तो वो भी आपको इवेंचुअली हेल्प आपके इनर पीस में ही कर रहा होता है. सो व्हाट्स द लिंक बिटवीन योगा एंड नेचर, इसका क्या लिंक होता है? क्योंकि ज़्यादातर जब हम देखते हैं कि योगा सिखाया जा रहा होता है या मेडिटेशन होती है, वो जो है वो ओपन एयर में कर रहे होते हैं. बिकॉज नेचर हील्स, राइट. एक आप खुद, अब हम, मैंने ये पहले भी कहा ना कि हम नेचर से इतनी दूर हो गए. अब जैसे अगर हम डाइट ही देख लें, खासतौर पे यूथ की डाइट, तो मैं बहुत ही कि हर वक्त वो कोक पी रहे हैं और हाथ में उनके चिप्स हैं. मतलब मैंने किसी को अच्छा खाना सुबह से लेकर रात तक बहुत कम होगा कि मैं देखूंगी कि इस बच्चे ने सुबह से लेकर रात तक अच्छा खाना खाया है, अच्छा फ्रेश, यू नो, सब्जी, फ्रूट, यू नो, समथिंग व्हिच गिव्स यू न्यूट्रिशन, व्हिच गिव्स यू एनर्जी. हेल्दी फूड की डेफिनेशन ही डिफरेंट है. हाँ, अच्छे खाने की डेफिनेशन ही गलत है. बिल्कुल. तो नेचर तो देखे ना, नेचर गिव्स यू एवरीथिंग. मतलब आपका खाना, आपकी हवा, खूबसूरती, पीस, दैट इज ऑल नेचर. आप शहर में आते हैं तो आपको पोल्यूशन मिलता है, नॉइज मिलती है, स्ट्रेस मिलती है. तो स्पेंडिंग टाइम इन नेचर इज वेरी थेरेप्यूटिक, लाइक जस्ट फॉर योर सोल. जस्ट गोइंग अप फॉर अ ट्रैक इन द मरकला. इस्लामाबाद वाले तो बड़े ब्लेस्ड हैं, और शहरों में तो ये भी नहीं है कि आप कभी पहाड़ी चढ़ लें, तो भी बहुत ये एक हीलिंग एक्टिविटी है आपके लिए. सो इसका ये मतलब है कि अगर हम जो है पोल्यूशन फैला रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द गंदगी है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, वो ना सिर्फ हमें तो डिस्टर्ब कर रही हैं लेकिन वो और लोगों को भी करेंगी. ऑब्वियसली जो उनको हील करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी उनके सराउंडिंग में, वो जितना भी पॉजिटिव वे में लाइफ गुजारना चाहे वो नहीं गुजार सकेंगे. सो व्हाट डू यू थिंक कि योगा के साथ साथ क्या उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए यूथ की, जो उनको पीसफुल कल्चर, पीसफुल सोसाइटी बनाने में हेल्पफुल हो? अशीफा, यू माइट वांट टू आंसर दैट. हाँ, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करते हो. योगा के साथ साथ ऑब्वियसली शी टॉक अबाउट दैट कि जो नेचर होती है वो एक हीलिंग एलिमेंट होती है, वो आपको हील करती है जो आपकी डिस्टर्ब कर रही होती है चीजें आपको. उससे जब हम अपनी नेचर या अपनी एनवायरनमेंट ही पोल्यूट कर देते हैं, सो उसके बाद वो और लोगों को भी अफेक्ट कर रही होती है. तो क्या मेन चीजें योगा के साथ साथ जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए इनर पीस के लिए? और ट्रेनिंग्स ऑब्वियसली. बिल्कुल. इनर पीस सबसे ज़्यादा तो आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपके जो इर्द गिर्द की जो, जिसको कहते हैं ना कि अनासिर हैं, वो ही आपके इनर पीस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं. तो सबसे पहले तो ये, और कनेक्शन विद योर फैमिली, आई थिंक
it should be a strong and a bitter one. It's important. ताकि आप एक वो सकून अगर आपके पास हो तो फिर आप you can fight with anything. सबसे पहले तो have a good connection, healthy connection with your family, with your parents, with your friends. अच्छे दोस्त होना भी बहुत एक blessing होती है. तो ये connections, ये जो चीजें हैं basic हैं. इसके साथ साथ अगर आप अपने आप को improve होते हुए देखना चाहते हो, तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना ज़रूरी है. बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी आपको कनेक्ट रहना पड़ता है. और इस वो कनेक्शन आप सब सिर्फ और सिर्फ तभी समझ सकते हो जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यू हैव टू गिव बैक. क्योंकि लेना सिर्फ सोसाइटी से, टेकिंग समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी इज़ नॉट एनफ. एक एट वन पॉइंट आपको देना भी पड़ता है. तो ये कुछ मुझे लगता है कि हमारी यूथ को बहुत लेट जाके समझ आता है. मतलब दे डू अंडरस्टैंड दिस थिंग. उनको ये बातें समझ आती हैं. सिंस मैं अब अपनी पर्सनल जो है ना एक्सपीरियंसेस उसकी बात करती हूँ, तो मैं जब आई वॉज अ स्टूडेंट, तो अब शायद हमारे स्टूडेंट लाइफ का डिलेमा यही है कि वी ऑलवेज रन फॉर ग्रेड्स और अच्छे जीपीएस और वो सारा कुछ. तो उस टाइम पे तो हमें इन चीज़ों का कोई होश या कोई ख्याल नहीं होता. जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तब हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है. तब हमारे पास इन इन चीज़ों का टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा कि हम इंडिविजुअली कुछ काम कर सकें. सो दैट इज दोज फोर ईयर्स ऑफ योर एजुकेशन, उसमें आप के पास मेजर टाइम होता है टू गिव बैक टू योर सोसाइटी. अगर आप वो उन्हीं चार सालों में अपने आप को इस तरह से बिल्ड कर लें कि आपको पता हो कि क्या सोसाइटी की प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में और क्या पर्सनल प्रायोरिटीज हैं आपकी, तो दैट विल हेल्प अ लॉट. और मेरे ख्याल से ये ख्याल होना कि आपको किस तरह से अपनी सोसाइटी को पे बैक करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सही बात. यूथ और जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम. हेलो. हेलो जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा. आप कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ. योगा के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहेंगी आप आयशा से? हेलो. आई थिंक लाइन में कोई इशू है, इसकी वजह से ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है. इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं 3636 पर, पूछ सकते हैं जो भी सवाल आपके माइंड में, क्योंकि आज हमारे साथ प्रोग्राम में आयशा मौजूद हैं जो कि योगा एंड मेडिटेशन टीचर हैं. इसके अलावा इनका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी एक्सपीरियंस है. आफीफा जावेद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं. शी इज़ प्रोग्राम मैनेजर ऑफ शोर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस. सो बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम, आपने ये बात बोली कि हमें पे बैक भी करना होता है. सिर्फ लेना या हार्मफुल ना होना सोसाइटी के लिए इज नॉट एनफ. सो वट इज मेंटल पीस? कि इफ यू आर नॉट कंप्लेनिंग तो इज इट ओके कि हम पीसफुल हैं मेंटली तौर पे? या मेंटल पीस ये भी होता है कि हम सबको पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें? समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि हम अगर सोसाइटी में बुरा नहीं करें तो वी आर एट पीस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मेंटल पीस जो है ना, सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से कनेक्शन है आपकी पर्सनल लाइफ से, पर्सनल सेल्फ से. तो दिमागी और दिली सुकून जो होता है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जिस तरह आयशा ने बताया था कि मेडिटेशन या योगा की एग्जांपल ही यही है कि बीइंग एट पीस मेंटली, सोलली एंड थ्रू माइंड, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं. बाकी आई थिंक आयशा यू कैन आंसर दिस थिंग बेटर कि मतलब मेंटल पीस ही सिर्फ काफ़, मतलब मेंटल पीस ना होना और सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाना, आर दे बोथ? नहीं, बहुत लोग जैसे जो डिप्रेस्ड होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं या एंग्जाइटी से सफर करते हैं, तो वो किसी और को कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन वो खुद बिल्कुल भी मेंटली एट पीस नहीं होते, यू नो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर वेरी डैमेजिंग टू देमसेल्व्स. तो पीसफुल होना इज इन एन एक्सेप्टिंग स्टेट कि आप अंदर भी काम है और बाहर भी काम है. ये नहीं कि आप लोगों को नहीं बता रहे तो आप अंदर से काम है, तो बहुत ही आई थिंक आपके अपने लिए बहुत नेगेटिव स्पेस है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी रियली इनकरेज पीपल दैट इफ यू आर स्ट्रेस्ड यू शुड स्पीक आउट एंड सीक सपोर्ट. इट्स अ मैटर ऑफ एक्सप्रेशन एक्चुअली, कि आपको बिल्कुल विद योर फीलिंग्स बताना चाहिए. बट बिल्कुल.
Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. It's 4:30 p.m. This time check is brought to you by Higher Refrigerator. Higher Refrigerator, jiska Blue Turbo Freshness System, kare bacteria ka khatma aur rakhe khano ko ekdam fresh. Redefines freshness by Blue Turbo Cooling. Higher, inspired living. Alright, welcome back in Together for Peace, which is sponsored by Shore Foundation for Education and Awareness. और आज हम basically बात कर रहे हैं integrating peace into our daily lives के हवाले से कि अपनी ज़िंदगी routine की जो हमारी life है, उसमें हम किस तरह peace prevail कर सकते हैं और peaceful society create कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जी आयशा, जो कि योगा एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा अफीफा जावेद, प्रोग्राम मैनेजर हैं शोर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस की। आप सवाल पूछ सकते हैं इनसे, मैसेज कर सकते हैं 3636 पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक लाइव पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एफएम 100 पाकिस्तान इज द ऑफिशियल पेज जहां पे हम फेसबुक लाइव हैं और आप इन दोनों से सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा आयशा, बड़े सवालात एक जैसे आ रहे हैं और ज्यादा सवाल पता क्या आ रहे हैं? अच्छा, ये आ रहे हैं कि आप ट्रेन करती हैं तो किन किन एरियाज में करती हैं, कौन कौन सी सिटीज हैं, और क्या आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देती हैं? ये मुझे लोग इतना पूछते हैं, पता है मैं एक आई हैव अ फुल टाइम जॉब एंड आई डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, तो मैं इस तरह से क्लासेस जो है वो रेगुलर नहीं दे पाती। लेकिन मैं इस्लामाबाद में कराती हूँ वर्कशॉप, समटाइम्स आई डू सेमिनार्स और कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स। या तो इसके अलावा ऑनलाइन कभी करवाया? ऑनलाइन नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं हम स्टार्ट करेंगे। मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे योनिक लाइफ के नाम से, YONICLIFE लाइफ, यू नो, सो YONICLIFE। एंड फेसबुक पे बाय द नेम ऑफ आयशा के, AISHAK। सो इफ पीपल रीच आउट टू मी फॉर समथिंग थ्रू मैसेंजर, आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड। बट मैं इस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं करवा सकती, इतना मेरे पास डेडिकेटेड टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता। अच्छा आयशा, से वैसे अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करना चाहते हैं कि योगा किसके लिए होता है? जस्ट पीस प्रिवेल करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, और किस किस चीज के लिए होता है? पूरी मैंने आपको शुरू में ही बताया ना, हेल्दी लाइफस्टाइल के, ओवरऑल हेल्थ, कि आपकी अपनी जिंदगी इतनी ट्रांसफॉर्म होती है इफ यू ऑन दैट पाथ, कि इस तरह ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जब आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना, कि आप जब एक अपनी जिंदगी का एक भी हैबिट चेंज करें तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो योगा के अंदर तो अपना खाना, सोना, फिर एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस रखना, तो उससे बहुत पॉजिटिव आपकी जिंदगी पे फर्क पड़ता है। आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं, आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, इंपल्सिव नहीं होते, बहुत एक्सेप्टिंग हो जाते हैं, बहुत गिविंग हो जाते हैं, यू नो, ये आपकी पर्सनालिटी पे नेचुरली चीजें चेंज होती हैं। सो ये है मेरा ख्याल। आयशा, मेरे ख्याल से हर ऐसे इंसान की जो कि डेडिकेटेडली किसी एक चीज पे काम कर रहा हो, हैज अ स्टोरी बिहाइंड दैट for coming into that particular field. So what's your story, what's your journey behind this? So I feel like meri journey, but main ye nahi keh sakti ki iske liye maine bada kuch active kiya, it just came my way also. I was at a very stressed space in my life, you know. Mera apna lifestyle bahut unhealthy aur bahut disturbed tha. अगर मैं ऑनेस्टली अब रिफ्लेक्ट करूँ, अच्छा ये होता है ना कि जब आप एक स्पेस में होते हैं आपको नहीं पता होता आप उस स्पेस में होते हैं। एग्जैक्टली, यू नो, जब आप किसी से बात करें तो उसको नहीं पता होता कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो वो ठीक कर लेना अगर वो कुछ गलत कर रहा है, या उसे पता होगा कितना डिस्टर्ब हूं, मेरे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है। तो सो आई वाज वेरी लकी टू फाइंड दिस, यू नो, इट केम माय वे, दैट इज व्हाई मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए कि मैं लोगों की जिंदगियों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकूं, क्योंकि मेरी जिंदगी पे किसी ने किया, यू नो, आई फाउंड अ वेरी लवली योगा टीचर। तो
And then once I started practicing, my life changed completely. But I also feel like I was very blessed, you know. Like, I can't say ke maine bahut iske liye effort kiya aur nahi. I also feel that there was a lot of grace, you know. To uske liye main kehti hu ki at least receptive hona chahiye. Well, kuch logon ko aap kuch de bhi na to wo lete nahi hai. Wo itne rejecting hote hain ki matlab main aapko koi achhi cheez bhi dun na kehte kyun de rahi hain. Exactly. Iska kya agenda hoga? What does she want out of me? Halanki what do you have that somebody will take from you, you know? Like, ऐसा क्या है हमारे पास, हम तो खुद ऐसे ही चले जाएंगे, यू नो. इंसान इतने इल्यूजन में रहता है कि बस जैसे उसने बड़ा इस दुनिया में कुछ कर कमाल का, कर कमाल करके, तो आपके अपने पास ही कुछ नहीं होता तो कोई आपसे क्या लेगा. ठीक. सो अगर इसको एज अ करिकुलम का पार्ट के हवाले से बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, कॉलेज में? सारे देखिए, कनाडा में तो पुलिस वालों को मेडिटेशन कराते हैं, इसीलिए उनकी पुलिस इतनी पीसफुल है, यू नो. ऑन अ सीरियस नोट, कि सबसे पहले तो मैं आई ऑल्सो टीच, यू नो, एट अ यूनिवर्सिटी. तो मुझे तो लगता है आजकल के बच्चे इतने स्ट्रेस्ड हैं कि वो बेचारे क्लास में क्या बैठेंगे, मतलब क्लास में बैठेंगे तो बड़ी सेकेंडरी बात है, यू नो. पहले तो जैसे मैंने कहा, एक सुकून की जिंदगी होना कि मैं उस स्पेस में आ सकूं कि मैं कुछ सीखूं, कुछ भी सीखूं जिंदगी में, कुछ भी सीखूं, ये नहीं क्या सीखूं. तो इतने स्ट्रेस्ड और बिखरे हुए और एनर्जी उनकी स्कैटर्ड, और बहुत कम मैंने फोकस्ड बच्चे देखे आज, और टेक्नोलॉजी की वजह से भी. कि ये जो ऑनलाइन आपने मुझसे पूछा ना, मैं तो टेक्नोलॉजी शुरू में इतनी अवॉइड, अब मैं जरा because I have to have a social media presence to reach out to people, you know. But technology is also very addictive. Ki aap dekhe na, char dafa phone utha ke dekhte hain, so you're not here, although you're supposed to be here in this moment, because this is where life is. Life is not in your cell phone. We have actually stopped living in the moment because of this. तो जो जो कि मेरे ख्याल से ये भी इफेक्टिव है हमारे लिए. तो ये माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है ना आपका. देखिए आप खुद, जो आप माइंड डिस्टर्ब की बात करें, अगर मैं हर वक्त चार चीजें सोच रही हूँ, आगे पीछे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, साइमल्टेनियसली, तो मैं कैसे पीसफुल रह सकती. इसके साथ साथ सेटिस्फेक्शन लाइफ से खत्म होगी. ऑब्वियसली हम अगर चार पिक्चर्स लेते थे तो हम अब सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी पिक्चर्स से. इससे भी जो है इतना एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, बहुत, मतलब ये हमारी गेम्स ऐसी हैं, हमारी लाइफ स्टाइल इश्यूज बहुत ज्यादा. Youth, there's a serious struggle. So youth ko to main bahut chahti hu ki wo actively take up kare, aur bilkul hona chahiye curriculum ka part. To aise nahi hota ki agar bachpan se hi ho to kuch log isko understand nahi kar sakte. Ek age nahi hoti hamari ki understand kar sake school level pe isko. What do you think, it is so easy? Nahi, school level pe bhi, balki bacche to zyada receptive hote hain na. Bacche to utni rejecting space mein nahi hote. Bacche to hamesha open hote hain, khush hote hain. Aaj kal ke to bechare bachchon ko bhi hum बहुत यंग एज में स्ट्रेस कर देते हैं. लेकिन जो एक नेचुरल चाइल्डहुड है बच्चे का, वो तो बड़ा रिसेप्टिव होता है ना. वो तो पीसफुल ही होता है, वो तो बाद में इस दुनिया में आके डिस्टर्ब होता है. चलिए अफीफा, आपकी जाने बढ़ते हैं. आप ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करवाती हैं, उनको, लोगों को सिखाती हैं कि किस तरह जो है वो सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव पार्ट बन सकते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि आप की क्या फ्यूचर ऐसी प्लानिंग है? आप किस तरह की जो ट्रेनिंग्स इंक्लूड करना चाहती हैं फॉर पीस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी? क्या आप चाहती हैं कि ऐसा कोई योगा या मेडिटेशन के थ्रू आप ट्रेनिंग्स करवाएं, या एक प्रपोजल दें टू द गवर्नमेंट के करिकुलम का पार्ट इसको बनाया जाए? मानूम, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है. मैं भी इसी की तरफ आ रही थी कि व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू नेक्स्ट. तो हमारा सबसे पहले तो अभी अपकमिंग जो चीज़ आ रही है रिगार्डिंग दी सेल्फ पीस थिंग, वो ये है कि हम लोग एक 7 डे की फेलोशिप कंडक्ट करा रहे हैं, विच इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान. कि इससे पहले पीस फोकस्ड कोई फेलोशिप आज तक लॉन्च नहीं हो सकी पाकिस्तान में. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर वर्किंग ऑन दिस, एंड इट्स ड्यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. एक्चुअली बहुत क्लोज है, तो मैं उसका प्रोसेस भी बताती हूँ कि हाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, जिसमें कि हम 30 इंडिविजुअल्स को कलेक्टिवली ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एक कॉमन प्लेस पे रख रहे हैं, जहाँ पे हम उनको 7 डेज ये बता रहे हैं कि हाउ यू कैन कनेक्ट टू योर ओन सेल्फ. वो ऐसी क्या प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को एक पीसफुल इंसान बना सकते हो. वही बात है ना कि जब तक आप खुद पीसफुल नहीं हो, तब तक आप सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं पहुँचा सकते. एंड वंस दे विल बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस फेलोशिप,
तो वो वही प्रैक्टिसेस हमारी कोऑर्डिनेशन में रहते हुए अपने अपने एरियाज में जहां से वो आ रहे होंगे रेप्लिकेट करेंगे. तो ये एक पीस एजेंट सॉर्ट ऑफ ये 30 इंडिविजुअल्स काम करेंगे फ्रॉम इन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. तो ये हमारी एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन है टू दिस सोसाइटी कि हम लोग एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ऐसे लीडर सोशल लीडर्स ही बना दें जो कि ऐसे एरियाज जिस तरह के नवाब शाह है फार फ्लांग एरिया से भी लोग आ रहे हैं तो वो वहाँ पर काम कर सकें. क्योंकि जो इंटीरियर सिंध हो गया सदन पंजाब हो गया जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म के इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं एट दिस मोमेंट तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ लोग पिक किए हैं 30 इंडिविजुअल्स जिनको हम लोग ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे. इफ़ यू और एनीवन हु इज़ लिसनिंग टू दिस कैन विश टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस थ्रू आर फेसबुक पेज थ्रू आर वेबसाइट जहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं. आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराना होगा एंड देन वी विल बी गेटिंग बैक टू यू. उस हमारी फेसबुक पेजेस पे ये इंफॉर्मेशन अभी भी मौजूद है रिगार्डिंग द फेलोशिप. इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्यूरीज कोई कंसर्न्स हैं और आप जानना चाहते हैं कि हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ इट टू राइट अस हमारा फेसबुक पेज है पीस विदाउट बॉर्डर्स पाकिस्तान और हमारी वेबसाइट है पीस विदाउट बॉर्डर्स डॉट पी के. सो बी अ पार्ट ऑफ इट. और जहाँ तक आपने दूसरी बात की थी मानूर करिकुलम डिज़ाइन करने की तो हमारा उसका भी कुछ प्लान्स हैं. हम लोग एक करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं रिगार्डिंग स्पेसिफिकली रिगार्डिंग पीस एजुकेशन. ठीक. अभी फिलहाल वी आर लॉन्चिंग इट जस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बेसिक लेवल पे कि पीस एजुकेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं या क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं. तो दीज टू थिंग्स आर लाइंड अप. ऑलराइट जी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं अफीफा से या आयशा से तो आप डायल कर सकते हैं 051-111-111-100. एंड नाउ वी हैव अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और आपके सवाल शामिल करेंगे. इसके अलावा टिप्स भी पूछेंगे आयशा से जो बिगनर्स हैं खासतौर पर योगा के जिनको पता नहीं है कि किस टाइप का हमें करना चाहिए किस लेवल तक जाना चाहिए. सो विल टॉक अबाउट दैट. सो स्टे कनेक्टेड टू एफएम 100. Welcome back in Together for Peace, which is sponsored by Shoru Foundation for Education and Awareness. और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग पीस इनटू आवर डेली लाइव्स, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है आयशा जो कि योगा एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं. इसके साथ हमारा साथ दिया है अफीवा जावेद ने जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं शोर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस की. अच्छा आयशा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे टिप्स फॉर द बिगनर्स जो कि योगा की जाने वाते हैं, उन्हें पता नहीं होता व्हाट्स योगा, कहाँ से ट्रेनिंग लें, और जब वो ट्रेनिंग ले भी रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है. अच्छा, इस तरह रेडियो पे तो टिप्स मतलब इट्स अ प्रॉपर साइंस, हाँ, तो इस तरह नहीं हो सकता कि मैं कोई टिप्स दूँ. मैं हेल्थ के लिए शायद टिप्स दे सकती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, बट हेल्थ के लिए कि खाना एक तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ड्रंक फूड अवॉइड करें, हैव अ वेरी डिसिप्लिन्ड डाइट, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी में. कोशिश करें कि आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं. ठीक ठीक है. सो वी हैव अ कॉलर, आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन कहाँ से बात करें? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ जी. कौन बात करें? साद बात कर रहा हूँ. साद, क्या सवाल पूछेंगे आयशा या फीफा से? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये टिप्स योगा की टिप्स जरा बता देंगे? स्टार्ट करना चाहते हैं आप अभी? जी जी. हेल्थ टिप्स के हवाले से बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं? जी जी बिल्कुल. चलिए वही वो बता रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. वेलकम, अल्लाह हाफिज़. जी, जो हमारा सवाल था उसी से रिलेटेड कॉलर है. तो मैं कह रही थी कि फ्रेश फ्रूट सब्जियां. जी हाँ, फ्रेश फ्रूट सब्जियां खानी चाहिए. और ज्यादा जिस बासी खाना होता है ना हमारे यहाँ प्रोसेस्ड फूड, वो नहीं खाना. हाँ, फ्रेश खाना पका के खाएं, उसी वक्त पकाएं.
उसी वक्त खाएं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर पकाएं. चले जी, एक कॉलर हमारे साथ, ये तो खवातीन के लिए लंबा काम हो जाएगा वैसे. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेल्दी डाइट आसान काम नहीं है, थोड़ा सा इस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है आपने अपना टाइम भी. नहीं पर देखें ना, यही तो आप ये देखें, हम कितनी फजूल चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, बट योर बॉडी इज ऑल दैट यू हैव इन दिस लाइफ. दूसरा बॉडी तो नहीं आना. सही बात है. और हमें इसका अंदाजा होता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी, मैं जावेद बात कर रहा हूँ शाम से. जी जावेद जी. मैडम आयशा से मैं एक मशवरा लेना चाहता हूँ. जी जी. देखिए मैडम, ये इस दुनिया में मैं देखता हूँ कि एक लंबी दर्दनाक जिंदगी है और आगे दर्दनाक मौत है. क्या मुझे औलाद का जिस्म बनवा के इससे गुजारना चाहिए लंबी दर्दनाक जिंदगी मौत से, या नहीं गुजारना चाहिए? ये मशवरा दें मुझे. ये कह रहे हैं जिंदगी बहुत दर्दनाक है, यही समझ में आया मुझे. ये कह रहे हैं लंबी जिंदगी है ना, लंबी जिंदगी दर्दनाक है और आगे दर्दनाक मौत है इस दुनिया में, तो औलाद का जिस्म बनवा के इससे गुजारना चाहिए मुझे या नहीं गुजारना चाहिए, ये मशवरा दें. नहीं, मैं मुझे तो नहीं लगता कि जिंदगी इतनी दर्दनाक है. मतलब जिंदगी हादसे जजले आते हैं, हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बीमारियों से जिस्म गुजरता है. हाँ. मशक्कत से जिस्म गुजरता है, तकलीफ से गुजरता है, जख्म. हाँ. तो आगे दर्दनाक मौत से तड़पता है. हाँ हाँ. तो इससे गुजारना चाहिए कि नया जिस्म बनवा के या नहीं गुजारना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि नजरिया चेंज करना चाहिए. बहुत कुछ अच्छा भी होता है जिंदगी में. आप इतनी आपने जो भी मुझसे बातें की वो इतनी दर्दनाक आपने जल्दी, लेकिन जिंदगी में बहुत खुशी भी होती है, बहुत अच्छे रिश्ते भी होते हैं. आप देखें कितनी खूबसूरती है दुनिया के अंदर, लोग कितने अच्छे हैं आपके इर्द गिर्द. कुछ तो लोग होंगे ना जो अच्छे हैं. हर कोई तो हादसे में नहीं खुदा ना खास्ता गुजरा, या हर जगह तो मुसीबतें नहीं है. तो ऐसे ही जिंदगी में एकदम यकसानियत भी नहीं रह सकती. जैसे रात होती है वैसे दिन होता है. अगर रात ना हो तो आपको दिन तो पता ही ना चले. लेकिन अगर रात है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दिन है ही नहीं. अच्छा, हम यही बात है ना कि योगा के साथ साथ हमारी काउंसलिंग भी हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि व्हाट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. तो आपकी रियलिटी आपने जिस तरह परसीव की है वो शायद बहुत दर्दनाक है, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है. अगर आप उस रियलिटी का परसेप्शन या अपना नजरिया चेंज कर लेंगे तो आपको इतनी फौलाद बना के जिंदगी अपने आप को नहीं गुजारनी पड़ेगी. आप खुशी से जिंदगी गुजारेंगे और ये एक नेचुरल चीज है. देखे ना, हम इस दुनिया में आए अकेले और जाना भी अकेले हमने, और ये एक टेम्पररी जगह है. तो इसको जितना आप खुशी से और इंजॉय करके गुजारें वो आपके लिए भी अच्छा है और आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी अच्छा है. एंड योगा रियली हेल्प्स यू डू दैट. यू नो दिस नेगेटिविटी इन यू, इट हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ दैट. ठीक. सो आयशा, व्हाट्स द लिंक बिटवीन योगा एंड म्यूजिक? किस तरह का म्यूजिक जो होता है आपको हील करता है? बिल्कुल, म्यूजिक तो बहुत, बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन, राइट? म्यूजिक हेल्प्स यू किस तरह के, कि जैसे हर म्यूजिक की भी डिफरेंस होती है, बट म्यूजिक एड्स जॉय टू योर लाइफ, राइट? इट टेक्स यू आउट ऑफ योर एनालिटिकल माइंड. हाँ, जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं सूदिंग, तो जो आप दिमाग में फंसे हुए होते हैं आप उस टाइम को एस्केप कर सकते हैं एंड सेलिब्रेट, और जो एक एलिमेंट होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ डायमेंशन, यू नो, इन योर डेली लाइफ. ये चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि हर इंसान तो म्यूजिक से कनेक्ट नहीं करता, और मतलब सुनने की हद तक तो शायद सब सुन लेते हैं, लेकिन वो कनेक्शन बिल्ड करना सुनने की हद तक ही, और कनेक्शन आई थिंक वंस अगेन मुझे लगता है कि नहीं, हर इंसान कनेक्ट करता है म्यूजिक से. शायद डिफरेंट तरह के म्यूजिक से करे. मैं कहूँ मुझे ये म्यूजिक नहीं पसंद, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज लाइफ का एक नेचुरल रिदम है ना, टाइम का भी एक नेचुरल रिदम है. सो देर इज अ सर्टेन मेलोडी दैट वी आर कनेक्टेड टू नेचुरली. और फिर नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा. मुझे लगता है लोग करते हैं, हर शख्स म्यूजिक. सो व्हाट डू यू थिंक, आप कहते हैं एस्केप हो जाता है आपका जो भी आप म्यूजिक से ना, आप जो है उस जो आपके माइंड में चल रहा होता है उससे निकल जाते हैं. हाँ. समटाइम्स ये होता है कि हम उससे निकलने के बजाय उसमें दोबारा इंडल्ज हो जाते हैं, हम ऐसा म्यूजिक सुनते हैं. तो आप चॉइस ऑफ म्यूजिक के हवाले से बहुत अच्छी बात आपने की. पता है, मैं जब बात कर रही थी मैं सोच रही थी कि मैं इस चीज को किस तरह एक्सप्रेस करूँ कि हाँ, कुछ म्यूजिक भी बहुत, जैसे यू नो हार्ड मेटालिक रॉक, a lot of youth that is depressed or angry associates with that music because they connect to that emotion, you know.
और वो फिर उस इमोशन को एक्सासिबेट करता है, मतलब उसको ज्यादा बढ़ाता है, उसको हील नहीं करता, उस एंगर को हील नहीं करता, तो उसको ज्यादा बढ़ाता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, यू नो. हाँ, आई गेस मुझे तो हर चीज एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बिकॉज समटाइम्स. लेकिन नहीं, वो बहुत शायद पॉजिटिव स्पेस नहीं है. अगर हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव के तरीके से देखें तो हाँ, वो एक बहुत पॉजिटिव नेगेटिव. बट स्टिल हीलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है. हाँ, तो उस तरह से मुझे ये लगता है कि दैट्स व्हाई आई वाज सो टॉर्न बिटवीन सेइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो एक्सप्रेस भी करें तो किसी लेवल पे कोई चीज आपके अंदर से निकल रही है. आप उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं जो कि डिप्रेस हैं अपनी लाइफ में, या वो सोच रहे हैं कि उन्हें योगा की जानिब आना है, या वो सोच रहे हैं कि कहा जाता है कि फ्री वक्त में जब आपके पास कोई काम करने को ना तब योगा की जानिब बढ़े, या हम एक्सरसाइजेस कर लेते हैं लेकिन योगा की जानिब नहीं बढ़ते. जॉगिंग रोज रोज करना चाहिए. रोज आप सुबह 20 मिनट बैठे और सांस लें, लंबे गहरे सांस लें 20 मिनट, आपका दिन बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट होगा. और शाम के वक्त भी, सो 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एटलीस्ट वंस अ डे एंड 20 ट्वाइस अ डे वुड बी अमेजिंग. और उसके बीच में क्या सोचें? कुछ भी ना करें, बस सांस लें. और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी याद आपके माइंड में, बस आने दें और जाने दें, आने दें और जाने दें. आप बस कुछ ना करें. मेडिटेशन इज एफर्टलेसनेस, यू नो, इट इज शुड बी एफर्टलेसनेस. आई थिंक इट इज कि आप अगर एफर्ट लगा रहे हैं ना तो आप मेडिटेट नहीं कर रहे. यू आर नॉट लेटिंग गो. मेडिटेशन इज सरेंडर. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर एक दिन आपके माइंड में एक थॉट्स आ रही हैं, दूसरे दिन आ रही, तीसरे दिन, क्या वो चली जाएंगी? वो आराम आराम से आप करते रहेंगे, वो आपका माइंड सेटल हो जाएगा. और थॉट्स तो हमेशा आती रहेंगी ना. थॉट्स में फंसे ना. ये ना सोचे कि ये चीज है जो मुझे आने दे और जाने दे. थ्रेटनिंग नहीं होती है बेसिकली. सो अफीफा, आप अपने फेलोशिप के हवाले से बात कर रही थी, तो यूथ सवाल पूछ रही है, आना चाहती है, आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहती है, काम करना चाहती है, दोबारा से गाइड कर देंगे उन्हें? तो बिल्कुल महनूर, हमारी अपकमिंग एक फेलोशिप आ रही है जिसको हम सलामती फेलोशिप के नाम से लॉन्च करने वाले हैं इन नेक्स्ट वन डे और टू. उस फेलोशिप में हम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 30 इंडिविजुअल्स ले रहे हैं जिनको हम एडवांस ट्रेनिंग देंगे रिगार्डिंग सोशल पीस बिल्डिंग. अब वो प्रैक्टिसेस एक तो उनके इनर पीस को बेनिफिट देंगी, और दूसरा वो जो प्रैक्टिसेस वहाँ पे सीखेंगे दे कैन रेप्लिकेट देम टू दी कम्युनिटीज दे बिलोंग टू. क्योंकि इसमें बहुत डाइवर्स किस्म का ग्रुप हम लोग ले रहे हैं. पीपल आर कमिंग फ्राम नवाब शाह, पीपल आर कमिंग फ्राम इंटीरियर्स, सॉरी मुल्तान, सर्दन पंजाब और कराची, लाहौर, पेशावर, इस तरह से काफ़ी डाइवर्स एक ग्रुप हम 30 इंडिविजुअल्स का बना रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात इस फेलोशिप की ये है कि इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स टोटली स्पॉन्सर्ड, यू डोंट हैव टू पे फॉर अ सिंगल थिंग. इसमें सिर्फ फर्स्ट सिर्फ ये है कि आपको आना है, आपकी एक विलिंगनेस जो हम लोग उस वक्त से जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि यू हैव टू शो अ विलिंगनेस टू लर्न, तो वो चीज़ अगर आपके अंदर है तो प्लीज़ रीच आउट टू अस, हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए आप. फेलोशिप इज़ एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो कि काफ़ी क्लोज है. आप इसको रीच आउट, मतलब इसको टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन फिल एप्लीकेशन फॉर्म. सिंपल सा एक एप्लीकेशन फॉर्म है, एनी बडी कैन फिल इट आउट. हमारी वेबसाइट और हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारी वेबसाइट का लिंक और हमारे फेसबुक पेज का नाम. फेसबुक पे हम लोग अवेलेबल हैं पीस विदाउट बॉर्डर्स पाकिस्तान के नाम से, और वेबसाइट हमारी है peacewithoutborders.pk. सो प्लीज़ डू विजिट अस. अगर आपको कोई सवाल, कोई क्यूरी है तो रीच आउट टू अस, राइट अस, एंड विल बी मोर देन वेलकम टू गेट बैक टू यू. ओके अफीफा, वैसे क्राइटेरिया क्या होता है सेलेक्ट करने का? हाँ, क्राइटेरिया इसका ये है कि यू हैव टू बी अंडर द एज ऑफ 30 और आपके एजुकेशन जो अचीवमेंट्स, एजुकेशन बैकग्राउंड डजंट मैटर. आइदर यू आर 14, यू हैव अ 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आपके पास मेट्रिकुलेशन है, आपके पास पीएचडी तो आई थिंक वो थोड़ा हो जाएगा एज लिमिट से, लेकिन इफ़ यू आर पीएचडी एंड अंडर 18, अंडर 30, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट.
सो वो हमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखे हुए इतने ज़्यादा ताकि हम लोग एक डाइवर्स ग्रुप क्रिएट कर सकें. दिस इज आर बेसिक. Alright, जी, thank you. Aisha, since we have very short time left, क्या मैसेज देना चाहेंगे at the end? Just be happy. Be happy. Be happy. Or how we can be happy? Just be happy. Just try to be happy. Don't try, be happy. Okay. आप करेंगे हो जाएगा. हो जाएगा. अच्छी अच्छी चीजें सोचे, खुश रहे, जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी. Alright, जी, अफीफा क्या कहना चाहेंगे end पे? Aisha के ही मैसेज को, I think to be happy, you have to appreciate the things you have, the things Allah Mia has blessed us. तो वो एक छोटी छोटी appreciations हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास, बहुत blessings होती हैं जिनको हम for granted ले रहे होते हैं. तो वो एक appreciation का element अगर हम अपने अंदर डाल लेना तो we can be happy at any time in the life or at any time in the moment. और इससे हम negative thoughts से जो है ज़रा बच सकते हैं. और बड़ा peaceful सा, बड़ा मज़ेदार सा program गुजरा. I learned a lot. Thank you so much Aisha and Afifa for your time. आप program सुन रहे थे जो कि sponsored है Shaur Foundation for Education and Awareness की जानिब से. It's time to sign out from program. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, JLO, JLO, across. FM 100.